स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलपी सवानी रिवर साइड स्कूल। माइसेल्फ मानसी गांधी, योर मैथ्स टीचर। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स देखे, टू डिजिट नंबर एंड थ्री डिजिट नंबर। नाउ आज हम सीखेंगे चेक योर आंसर योरसेल्फ। आज हमको ये सीखना है कि आपका जो भी आंसर आए वो राइट है कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 236 माइनस 140। तो पहले ये आंसर कैसे आएगा, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। अगर आपको जानना हो कि ये आपका जो आंसर है 122 वो सही है, वो कैसे चेक करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा आंसर है वो हम लिखेंगे 122। उसमें हम जो नंबर माइनस किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, उसको प्लस करेंगे। 122 प्लस 140, ये दो नंबर को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आता है तो हमारा ये आंसर रॉन्ग है। अगर ये आंसर आता है मींस हमारा आंसर सही है। तो देखो, हमने चेक किया 122 प्लस 140, चलो प्लस करना है। 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2, 236। देखो ये हमारा आंसर आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। जैसे आंसर लाने के लिए हमें ये दो नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें आंसर ये आता है। ये आंसर सही है वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कौन सा, ये नंबर और ये नंबर को प्लस करना है। जैसे कि 122 प्लस 140, तो आंसर आता है 236। मींस हमें जो नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो नंबर आना चाहिए। तो ये नंबर आता है मींस ये आंसर सही है। चलो यहाँ पे फर्स्ट हम माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ पे 10 आएगा 10, फिर यहाँ पे हम कैरी करेंगे 3, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 2 1 एंड 3, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 0, 3 माइनस 0 3। अभी चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है, तो क्या करना है, जो हमारा आंसर है और ये नंबर को हम प्लस करेंगे, मीन्स 312 प्लस 28, चलो 8 प्लस 2 10, यहाँ पे 0 और 1 कैरी करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 0, 3 प्लस 0 3, 340। देखो ये आंसर हमारा आ गया, मीन्स ये भी सही है। नाउ यहाँ पे चेक ऋषिस सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। यहाँ पे ऋषि ने सब्ट्रैक्शन किया है तो हमें एडिशन करके चेक करना है। ओके, 384 माइनस 243, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 2 1। चलो अभी हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। चलो तो कौन सा, ये जो टोटल आया वो, जो आंसर आया वो और ये नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा 141 प्लस 243, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 1 3, ये आंसर आया 384, मींस ये सही है। अभी यहाँ पे जो सम किया है वो चेक करना है। यहाँ पे आंसर आता है 221, तो चलो कैसे चेक करेंगे, ये जो आंसर है और ये नंबर प्लस करेंगे, 221 प्लस 139, चलो 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 0 और 1 कैरी करेंगे, 3 प्लस 2, चलो 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 1 6 एंड 2 प्लस 1 3, 360, लेकिन यहाँ पे तो 468 है, मीन्स ये आंसर उसका ऋषि का रॉन्ग है। ओके, उसने सब्ट्रैक्शन रॉन्ग किया है। कैसे आएगा, यहाँ पे 18 कैरी करेंगे, फिर 5 यहाँ पे बोरो आएगा, बोरो करेंगे तो नंबर ऐसा आता है, मीन्स ये उसका सब्ट्रैक्शन रॉन्ग है। नाउ यहाँ पे आता है उसका 119, तो 119 प्लस 247, चलो अभी प्लस करते हैं, 9 प्लस 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो यहाँ पे आएगा 1, 1 प्लस 1, 2, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे आता है 6 एंड 2 प्लस 1, 3, तो हमारा आंसर आया 366।
आंसर इज 366, लेकिन यहाँ पे 356 है, सो दैट ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। हमें आंसर 6 - 7 - 9 नहीं आता है, यहाँ पे 16 हमें 1 बोरो करना पड़ता है और फिर यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे मीन्स 4। चलो अभी ये चेक करते हैं, 244 प्लस 224, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6 एंड 2 प्लस 2 468, यहाँ पे भी 468 है मीन्स ये राइट है। नाउ फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन कलर्ड बॉक्स। अभी देखो यहाँ पे जो कलर्ड बॉक्स है वहाँ पे आप नंबर नहीं लिखा है, वहाँ पे नंबर आपको अपने आप लिखना है। फर्स्ट बॉक्स, चलो यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है, लेकिन कैसे आता है ये नंबर 7 - 3 - 4। चलो अभी ये बॉक्स खाली है तो ये नंबर कैसे आएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3, 8 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेंगे। नाउ यहाँ पे चलो 7 एंड 2, ओके, तो 7 + 2 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा और 9 - 7 - 2, कौन से नंबर्स में से हम 7 माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, 9 में से, 9 - 7 - 2। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, 1 छोटा नंबर है और 2 तो बहुत बड़ा नंबर है तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा और यहाँ पे भी बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा बोरो करेंगे तो कितना आएगा, बिफोर नंबर 1 और यहाँ पे 11। नाउ 1 - 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे, चलो 11 में से 3 माइनस करो तो आंसर कितना आता है, 8। 11 - 8 आंसर इज 3। ओके, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये जो कलर वाला बॉक्स खाली है उसमें नंबर आएगा 8। नाउ अभी यहाँ पे 0 और यहाँ पे खाली है तो 6 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो 0 आता है, यस 6 - 6 वही नंबर हम माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 3 एंड 6। चलो कौन से नंबर में से हम 3 माइनस करते हैं तो 6 मिलता है, तो यहाँ पे प्लस करो तो आपको पता चल जाएगा, हमने जैसे यहाँ पे चेक किया कि ये दोनों नंबर प्लस करते हैं तो हमें ऊपर का नंबर मिलता है, तो ये दोनों को प्लस करो, 6 + 3 - 9 तो हमें ऊपर का नंबर 9 मिल गया। नाउ यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 8, 4 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, सो दैट यहाँ पे हमें बोरो करना पड़ेगा, 1 बोरो करो तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे सब 1 चला गया मीन्स अभी बिफोर नंबर आ जाएगा 3। नाउ 14 - 8 - 6, 3 - 3 - 0। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, ऊपर का नंबर अगर ढूंढना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों नंबर को प्लस करना पड़ता है, 2 + 2 - 4 तो यहाँ पे आएगा 4। ये था हमारा मिसिंग नंबर। यहाँ पे पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। पोस्टमैन अंकल ठीक नहीं है इसलिए अभी लेटर आपको डिलीवर करना है, कैसे, राइट द करेक्ट रूम नंबर ऑन द लेटर्स देन फाइंड द रूम्स इन द अबव बिल्डिंग एंड सर्कल देम। यहाँ पे रूम में हमें नंबर फाइंड करना है लेकिन कैसे, यहाँ पे आपको प्लस और माइनस के सम मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के सम है, आपको वो नंबर ढूंढना है और फिर यहाँ पे सर्कल करना है। देखो फर्स्ट 445 + 10 आंसर आता है 455, तो चलो 455 यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा, तो आपको क्या करना है उस पर सर्कल करना है। नेक्स्ट 467 + 11, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 478, ये रहा, उस पर आपको सर्कल करना है। 450 - 19, अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आता है, आपको ये रफ में करना है अपनी रफ बुक में, 450 - 19 आंसर आएगा 431, तो 431 कहाँ पे, ये रहा, तो आप पे उस पर आपको सर्कल करना है। 430 + 15 आंसर आता है 445, तो इस पर आपको ढूंढ के सर्कल करना है। नेक्स्ट 456 - 20, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर मिलता है 436, कहाँ पे 436, ये रहा, तो आप इस पर सर्कल। 480 - 9,
471, आपको ये रफ बुक में सब्ट्रैक्शन करना है तो ये आपको पता चलेगा 471, उस पर आपको सर्कल करना है। 498 माइनस 23, 475, 475 कहाँ पे, ये रहा तू, आपको सर्कल करना है। नाउ 467 प्लस 22, 489, चलो ढूंढो 489 कहाँ पे है, ये रहा 489, उस पर आपको सर्कल करना है। नाउ 420 प्लस 430 प्लस 20 प्लस 13, ये तीनों नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा 463, तो वो ढूंढ के आपको सर्कल करना है। नाउ 426 प्लस 38, 464, 464 कहाँ पे, ये रहा, तो ढूंढ के सर्कल करना है। 420 प्लस 10 प्लस 20, आंसर आता है 459, तो चलो ढूंढो 459 कहाँ पे, ये रहा, तो ढूंढ के सर्कल करना है। वैसे ये सारे सम्स आपको टोटल या माइनस करके यहाँ पे नंबर लिखना है और वो रूम कहाँ पे है वो ढूंढ के उस पर आपको सर्कल करना है। ओके, ये होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।